एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आज मैं शेयर करूंगी दुर्गा पूजा मेकअप लुक। एंड मैंने ये जो पर्टिकुलर मेकअप लुक क्रिएट किया है, ये प्रेफर करता है अष्टमी शोभा को। एंड ये जो रेड एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा से ही बॉम्ब लगता है। एंड ऑल्सो ये जो मैंने लुक क्रिएट किया है, ये मैरिड अनमैरिड कोई भी कर सकते हैं। ये हर एक के ऊपर बहुत ही अच्छे से टर्न आउट होगा एंड देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड गाइज, मैंने ये जो मेकअप लुक है ये बहुत ही ईजी तरीके से अचीव किया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो हेयर स्टाइल किया है वो भी बहुत ही इजी है, क्योंकि इस लुक के साथ मैंने थोड़ा सा लाइट हेयर स्टाइल ही रखा है, क्योंकि लुक ही ऐसा है कि जो भी आप हेयर स्टाइल करोगे बहुत अच्छे से टर्न आउट होगा। एंड मैंने इस लुक का अचीव करने के लिए जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किया है, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनकेस अगर नहीं मिलता है तो मैं वीडियो में सेट वगैरह मेंशन करूंगी, आप जाके सर्च करके बाय कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो। सो नाउ लेट्स बिगिन। प्राइमर के लिए आज मैं यूज़ करूँगी लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं है, बट बहुत अच्छा प्राइमर है। देन मैं फाउंडेशन के लिए अप्लाई करूँगी मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। एंड इसे मैं अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई करूँगी। देन एक ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। एंड आज की मेकअप के लिए मुझे थोड़ा सा हेवी बेस चाहिए था, सो इसीलिए मैंने इस फाउंडेशन को यूज़ किया है। अगर आपको हेवी बेस पसंद नहीं है तो आप बीबी क्रीम के साथ भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। कंसीलर के लिए आज मैं यूज़ करूँगी डार्लिंग इशाबेला का कंसीलर। ये जो कंसीलर है बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही अच्छा एक कंसीलर है, आपको ये पर्पल पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैं क्रीम कंटूर करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NYV की कंटूर स्टिक। एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल है, मैंने जब परचेज़ किया था मुझे ये 98 रुपीज़ में मिला था। देन कंसीलर एंड क्रीम कंटूर को मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। ये लुक मैंने क्रिएट किया है दुर्गा पूजा अष्टमी शोभा के लिए। एंड आप इस लुक को चाहे तो किसी और दिन भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पर जो रेड एंड वाइट आउटफिट पहना है, ऐसा नहीं है कि आपको भी सेम कलर की आउटफिट पहना है, आप इस मेकअप को दूसरे किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने कंसीलर एंड फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ SQ का लूज पाउडर से। एंड इसमें मेरा शेड है 01, ये एकदम ट्रांसलूसेंट पाउडर है। एंड मैंने जो क्रीम कंटूर किया था उसे सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सुगर कॉस्मेटिक्स की ब्रॉन्जर। एंड उससे जो जहाँ जहाँ पर मैंने क्रीम कंटूर किया है सेम जगह पे उसे अप्लाई करूँगी और सेट कर लूँगी। ऑफ कैमरा मैंने आईब्रो को फिल किया है। देन मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेकर उसे अप्लाई करूँगी अपने ट्रांजिशन कलर के लिए। एंड सेम कलर को मैं अप्लाई करूँगी अपने लोअर लैश लाइन पर। देन एक डार्क ब्राउन शेड लेकर उसे अप्लाई करूँगी मेरी आउटर वी पर। एंड यहाँ पर जो आई मेकअप है मैंने बहुत ही सिंपल किया है। आप चाहे तो ब्राउन कलर की जगह कोई भी रेड शेड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके आउटफिट पर जो भी कलर है उसे अप्लाई कर सकते हैं। देन वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट से एक गोल्डन शेड लेकर उसे अप्लाई करूँगी मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ। ये जो आई मेकअप है बहुत ही सिंपल है, आप इसे बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो एंड इसे क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देन यहाँ पर लाइनर के लिए मैं आज यूज़ करूँगी एक काजल को। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ SQ का काजल एज ए लाइनर। देन आई लेसेस को कर्ल करूँगी एंड कर्ल करके मस्करा अप्लाई करके आप छोड़ सकते हो, बट मैं यहाँ पर वीडियो के लिए एक फॉल्स लैसेस अप्लाई करूँगी। मस्करा के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की मैक्स वॉल्यूम मस्करा। ब्लश के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ब्लशर पैलेट से एक पिंक सा शेड लेके, दैट्स ऑल। आप चाहे तो कोई भी न्यूट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाइलाइटर के लिए मैं सेम पैलेट से एक पिंकी टोन का हाइलाइटर यूज़ करूँगी अपने चीक बोन, नोज, क्यूपिड्स बो एंड ब्राउ बोन पर। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी NYB की बुलेट लिपस्टिक। एंड इस मेकअप लुक के साथ ऑब्वियसली रेड लिपस्टिक ही परफेक्ट लगेगा, सो मैं रेड लिपस्टिक ही अप्लाई करूँगी।